NCERT Geography क्लास 6 की दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। आज की टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, सोलस्टिक और इक्वानॉक्स। पृथ्वी की गति, घूर्णन पृथ्वी की धुरी पर मूवमेंट। एक निश्चित पथ या कक्ष में सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की आवाजाही को क्रांति कहा जाता है, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66 हाफ कोण बनाता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन वर्क्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ विद ईच ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट द्वारा बनाई गई प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन के रूप में जाना जाता है। धरती की आकार स्फेरिकल होने के कारण सूर्य की किरण धरती के आधे हिस्से में पड़ता है, और जहाँ भी सूर्य की किरण पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ने वाले हिस्से में दिन होता है, दिन का अनुभव होता है। द पर्सन पासिंग द सन एक्सपीरियंस द व्हाइल अदर हाफ, जैसा कि हमने कहा, सूर्य की किरण पड़ने वाले धरती के हिस्से में दिन का अनुभव होता है और दूसरे हिस्से में रात का अनुभव। जिस सर्कल को रात से विभाजित किया जाता है उसे रोशनी का चक्र कहा जाता है, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल अक्ष के साथ मेल नहीं खाते हैं। रोटेशन की अवधि को धरती के रूप में जाना जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। रोटेशन की अवधि को अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। यही पृथ्वी की दैनिक गति है। मोशन ऑफ द अर्थ, धरती की दो प्रकार की मोशन है, वो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ओके, द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की दो प्रकार के मोशन है, वो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन पृथ्वी की मोमेंट है, और रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन है पृथ्वी यानी धरती सूर्य की चारों ओर फिक्स पार्ट में घूमते हैं, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है? रोटेशन है पृथ्वी की मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट, और रिवॉल्यूशन धरती सूर्य की चारों ओर एक फिक्स पार्ट में घूमते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्बिट से बनाई गई प्लान को ऑर्बिटल प्लान कहा जाता है। पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय प्लेन के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, 66 डिग्री ऑर्बिटल प्लान बनाते हैं। पृथ्वी की स्फेरिकल आकार के कारण सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इसका आधा हिस्सा एक समय के सूर्य से प्रकाश हो जाता है। सूर्य के अनुभव होने वाले हिस्सा को दिन कहा जाता है, जबकि अन्य यानी जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पड़ता है उस हिस्से में रात का अनुभव होता है। जो सर्कल रात और दिन में विभाजित करता है उस सर्कल को क्या कहते हैं? उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, रोशनी का चक्र कहा जाता है। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पृथ्वी के चारों ओर एक घूर्णन को पूरा करने के लिए पृथ्वी को लगभग 26 घंटे लगते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। इस रोटेशन की अवधि को अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। ओके, यह सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो बीच में रेड कलर में जा रही है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो रात और दिन में विभाजित करते हैं। ओके, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होगा यदि पृथ्वी रोटेट नहीं होगा? व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट?
जहाँ पे सूर्य की किरण धरती में पड़ते हैं, उस हिस्से में दिन का अनुभव होगा और उस क्षेत्र में निरंतर गर्मी की अनुभव होगा। दूसरा आधा अंधेरे में रहेगा और हर समय ठंडा रहेगा। ऐसी शर्म स्थितियों में जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द, जहाँ पे सूर्य की किरण धरती पे पड़ेगा उस पोर्शन में हमेशा दिन होगा और निरंतर गर्मी रहेगा। दूसरा आधा हिस्सा जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा, वहाँ पे ठंडा रहेगा और ऐसी शर्म स्थितियों में जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं होता तो ऐसा होता। ओके, ऑर्बिट में सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति को क्रांति कहा जाता है। क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, सूर्य की रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सूर्य की चारों ओर घूमने में 365 दिन यानी एक वर्ष लगते हैं। केवल 365 दिनों के समान होने हैं और सुविधा के लिए सै घंटे की कन्वीनियंस होते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, इट टेक्स 365 डेज, इट्स मीन 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। 6 hours saved every year are added to make 1 day, span of 4 years. ऐसे 366 days को leap year कहा जाता है। Such a year with 366 days is called a leap year. ठीक है, ऐसी 366 दिनों के साथ इस तरह की एक वर्ष को लीप ईयर कहा जाता है। अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी उसी दिन झुकाव है और रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। थ्रू आउट इट ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। वर्ष आमतौर पर विभाजित होता है। समर गर्मी, विंटर ठंडी, स्प्रिंग बसंत एंड ऑटम और शरद ऋतु। सूर्य की चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरण सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरते हैं। नतीजा स्वरूप ये क्षेत्र अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तर क्षेत्र में गर्मी है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में इन सभी स्थितियों का उलट देखा जाता है। ये सर्दी का मौसम रातों की तुलना में रात लंबी होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मिलती है, यानी ग्रीष्मकालीन संक्रांति समर सोल्स्टिस कहते हैं। जैसा कि हमने कहा, सोल्स्टिस ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की किरण बढ़ते जाते हैं। ओके, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरण सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गिर रहे हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा के उत्तर क्षेत्र में गर्मी होते हैं। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। इस समय दक्षिण गोलार्ध में इन गर्मी स्थितियों का उलट देखा जाता है। इट इज विंटर सीजन देयर।
The night are longer than the days. ये सर्दी का मौसम है, रातों दिन की तुलना में लंबी होते हैं रातें। This position of the earth is called the summer solstice. पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहते हैं, ओके, समर सोल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सूर्य की किरण जैसे कि दक्षिण ध्रुव के रूप में इसके सूरज की किरणों मकर के उष्णकटिबंधीय पर लंबवत होते हैं। A larger portion of the southern hemisphere gets light. दक्षिण गोलार्ध का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में बड़े हिस्से में प्रकाश प्राप्त करते हैं। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. इसलिए दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोट होते हैं। The reverse happen in the Northern Hemisphere, ये उत्तर गोलार्ध से उलट होता है, okay? This portion of the earth is called the winter solstice. इस हिस्से को winter solstice यानी शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, okay? Winter solstice. Winter solstice में दिन लंबे होते हैं और रात शॉर्ट होता है, okay? Summer solstice में दिन की तुलना में रातें लंबे होते हैं, ठीक है। विंटर में रातें सूते और दिन लंबे होते हैं। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों भूमध्य रेखा पर गिरती है। इस स्थिति में ना तो ध्रुव को सूर्य की ओर बढ़ाया जाता है, इसलिए पूरी पृथ्वी बराबर दिनों और समान रातों का अनुभव करती है, जिसे इक्विनॉक्स यानी विषुव कहा जाता है। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, ओके। इस प्रकार आप पाते हैं कि क्रमांक से पृथ्वी की घूर्णन और क्रांति की वजह से मौसम में दिन और रात और मौसम दिन और रात में परिवर्तन होते हैं। Thus, you find that there are days and night and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. इसी प्रकार दिन और रात और मौसम में परिवर्तन होता है, किस लिए? Revolution और rotation के कारण, पृथ्वी के revolution और rotation के कारण, okay? With this, I conclude today's video. I hope this video will be informative. If you're liking this initiative, please subscribe our channel and press the bell button too, so that you can keep getting notification. Thank you for watching. All the best.